नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सर, आप सभी का प्रोग्रेस क्लासेस चैनल में एक बार अपना स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम केमिस्ट्री के 12th क्लास की जो है बिलियन चैप्टर में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले जो है पिछली क्लास में जो है बिलियन चैप्टर्स में जो है कुछ नियमों को हमने बताया था, जैसे राउट्स के नियमों को, हेनरी के नियमों को, और उन दोनों में राउट्स के नियम और हेनरी के नियम में क्या समानता है, इन चीज़ों को मैंने बताया था। तो आप जितने भी यहाँ पर जो बिलियंस के जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स जो है अब आप लोग को जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि परिस्थिति जो है कोरोना महामारी के कारण जो है आप लोग का क्लास जो है लाइव ऑनलाइन ही चलेगा। तो इसलिए जो है आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हम प्रत्येक टॉपिक को जो है बारी बारी से बताते जाएंगे आपको। तो आज के टॉपिक जो है हमारा बिलियन चैप्टर्स का जो है, आपको जो है सबसे पहले बिलियंस के बारे में तो आपको बता ही दिया गया, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को भी क्लियर किया गया था। तो बिलियन जो है क्या प्रकाश में जो है बिना द्विअंगी बिलियन, त्रिवंगी बिलियन, चतुर्वंगी बिलियन के बारे में बताया गया था। इसमें भी आगे की बिलियंस को जो है राउट्स के नियम और हेनरी के नियम को उसके साथ समझाया गया। तो देखिएगा आज जो है जैसे द्विअंगी बिलियंस को दो वर्ग में बांटा गया है। द्विअंगी बिलियंस का मतलब जैसे चीनी और पानी को मिला देते हैं, तो और इसको मिलाने के फलस्वरूप क्या जो शरबत का निर्माण होता है, तो इसको हम द्विअंगी बिलियन के रूप में जानते हैं। और ये द्विअंगी जो बिलियन जो है, और बिलियन बराबर टॉपिक्स में पहले भी हमने बताया है कि बिलियन जो जो बिलियन जो बराबर जो होता है विलय प्लस में क्या होता है, विलायक होता है। विलय प्लस क्या होता है, विलायक, इसमें होता है। और विलय किसको कहते हैं, जो घुलता हो, जो घुल जाता हो बिना, उसको हम विलय कहते हैं। जो पदार्थ जो घुल जाता हो उसको विलय कहते हैं। जिस पदार्थ को कोई घुलाता हो, जैसे पानी जो होता है वो चीनी को घुलाने का कार्य करता है, इसलिए पानी जो होता है वह विलायक के रूप में कार्य करता है। ये पानी विलायक हो सकता है, पानी जो है विलायक का कार्य करता है। और जैसे चीनी की अगर बात करते हैं, चूँकि चीनी स्वयं घुलता है बिना, तो ये घुल जाता है, इसलिए चीनी जो है विलय होता है और पानी जो है का विलायक होता है। तो दोनों में एक बड़ी डिफरेंस किया होता है कि विलायक हमेशा जो है वो विलायक जो होता है हमेशा जो है विलायक जो है बड़ा होता है, विलायक बड़ा होता है हमेशा कौन चीज से, विलय से। तो विलायक बड़ा होता है हमेशा कौन चीज से, विलय से बड़ा होता है। तो इस बात को पहले भी हमने वीडियो में बता चुके हैं। अगला टॉपिक जो है यहाँ पर दिया गया कि द्विअंगी बिलियन को जो है वो दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो होता है आदर्श बिलियन, जिसको आइडियल सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है अनादर्श बिलियन है, जिसको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। अब ये सवाल इस टॉपिक्स में है कि आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपको एग्जामिनेशंस में भी इसको आया है। तो ये इसके पहले जो है राउट्स के नियमों को हमें ध्यान में रखना होगा, जो राउट्स के नियमों को बताया गया है। तो आदर्श बिलियन और ये जो है टॉपिक अनादर्श बिलियन जो है, तो सबसे पहला चीज़ कि आदर्श बिलियन क्या है। तो आदर्श बिलियन जो है टॉपिक्स में यहाँ जो दिया गया है कि आदर्श बिलियन, तो ये वैसा बिलियन जो ताप एवं सांद्रण टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर आप लिख भी सकते हो, टेम्परेचर और सांद्रण को कहते हैं, कंसंट्रेशन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आदर्श बिलियन वैसा बिलियन है जो ताप एवं सांद्रण की सभी परिस्थितियों में, ताप एवं सांद्रण की सभी परिस्थितियों में जो होता है, सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। किसके नियमों का, परिस्थितियों में राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। पूर्णतः पालन करती है ठीक है। और उसी को जो है पूर्णतः पालन करती है, तो उसी को हम कहते हैं आदर्श बिलियन। क्या है, एक बार पुनः आप लिख भी सकते हो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वैसा बिलियन है जो ताप एवं सांद्रण की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, तथा पूर्णतः पालन करती है। और राउल्ट के नियम आपको बताया कि प्रत्येक वाष्प दाब का घटक जो होता है वो क्या मूल प्रभाव के जो है समानुपाती होता है, यही हमारा जो है क्या होता है, ये राउल्ट का नियम है। और इसके अनुसार जो है राउल्ट्स के नियम और यहाँ पर हेनरी के नियम को भी समतुल्यता के रूप में यहाँ पर समानता को दिखाया गया है। तो इसलिए राउल्ट के नियमों को हमें समझना बहुत ही क्या है जरूरी है।
तो बस एक सीधी सी बहुत ही सिंपल से आदर्श विलयन, वैसा विलयन जो ताप एवं सारण की सभी परिस्थितियों में जो होता है वो राउल्ट के नियमों को पूर्णतः पालन करती है तथा जिसके बनने पर, सवाल इसमें है कि तथा जिसके क्या होता है, तथा जिसके बनने पर जो होता है, तथा जिसके बनने पर क्या आय, जिसके बनने पर एन्थैल्पी जो होती है, क्या होती है एन्थैल्पी, जिसके बनने पर एन्थैल्पी, जिसके बनने पर जो है, जिसके बनने पर एन्थैल्पी, यहाँ सवाल जो है एन्थैल्पी जिसको डेल्टा एच के नाम से इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग, तथा एन्थैल्पी जो है एन्थैल्पी एवं आयतन में, एन्थैल्पी एवं कौन सा आयतन, आयतन डेल्टा भी के रूप में यहाँ पर आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें जो है तथा आयतन में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं राउल्ट्स का कौनसी। तो एक बार पुनः जो इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेंगे, वैसा विलयन है जो ताप एवं सांद्रण की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करती है, पूर्णतः पालन नहीं करती है, तथा जिसके बनने पर एन्थैल्पी एवं उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं था, एन्थैल्पी मतलब डेल्टा एच जो है एन्थैल्पी का जो मिक्सिंग जो है, जो मिश्रण जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, या इसके आयतन में भी, यहाँ पर आयतन में भी इसके किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग राउल्ट्स के नियम कहते हैं। या एग्जाम्पल्स की यहाँ पर की अगर बात करते हैं तो जैसे बेंजीन की, या बेंजीन की बात करें, बेंजीन जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं सी सिक्स एच सिक्स होता है, या आप जो है जैसे इसका बेंजीन का, या फिर फिनॉल हो, या फिनॉल्स की अगर बात करें, फिनॉल्स की बात करें सी सिक्स एच फाइव है, ओ एच की बात करें, तो इससे अदर्स विलयन का ये एग्जाम्पल्स के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ये फिनॉल्स हो गया, तो ये हमारे जो है राउल्ट्स के नियमों को पूर्णतः पालन करते हैं। ये जो है जिनका जिसमें कि एन्थैल्पी आता है, क्वेश्चन एन्थैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है किस विलयन में, आदर्श विलयन में या अनादर्श विलयन, तो ये हुआ हमारा कौन सा आदर्श विलयन। और बस इसी का सिंपल सी इसका क्वेश्चन जो है ये बस इसी का विपरीत जो है हम आदर्श विलयन सवाल अनादर्श विलयन किसको कहते हैं। तो सवाल इसमें ये जो होगा आदर्श जो अनादर्श जो विलयन है वो जस्ट इसके ये पूर्णतः राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन ये करती है, और ये राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करती है, तो इसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं, वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करती है, पूर्णतः पालन नहीं करती है, ठीक है, तथा जिसके बनने पर एन्थैल्पी सेम एन्थैल्पी एवं आयतन में यहाँ पर एक कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन होता है, यहाँ पर परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये परिस्थिति में राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करती है, और इसके बनने पर एन्थैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है, मतलब कि जो एन्थैल्पी डेल्टा एच जो होता है ये परिवर्तित होता है, मतलब कि द्रावण में शून्य हो जाएगा, और इसके आयतन में भी परिवर्तन होता है, कौन सी शून्य। तो ये आज के टू टॉपिक्स हैं, आदर्श विलयन और ये क्या है अनादर्श विलयन, जो राउल्ट के नियमों का एक सीधी सी लाइन्स में, एक जो राउल्ट्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है वो ना, तो उसको आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करती है उसको क्या अनादर्श विलयन। और इसमें बस यही डिफरेंस जानना है कि क्या बोलते हैं आदर्श विलयन में जो होता है आपका आयतन एन्थैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जबकि जो है अनादर्श विलयन में एन्थैल्पी और आयतन में क्या होता है परिवर्तन। बस तो यही है आदर्श विलयन और क्या आदर्श विलयन, आपके एग्जाम से बहुत बार ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस मात्र इतना है, ये दो टॉपिक्स जो था मेरा आदर्श विलयन और कौन सा अनादर्श विलयन, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बताएं, ताकि हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकें, ठीक है। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।